तो शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, यूपी उपचुनाव के लिए थमेगा चुनावी शोर। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में होने हैं मतदान। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को होगी वोटिंग। इसी के साथ 8 दिसंबर को घोषित होंगे उपचुनाव के नतीजे। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां आज चुनावी शोर थम जाएगा। आपको बता दें कि यूपी में 3 ऐसी सीटें जिस पर उपचुनाव होने हैं, जहां एक तरफ मैनपुरी की लोकसभा सीट है तो वही दूसरी तरफ रामपुर और खतौली की विधानसभा सीट है, यहां मतदान होना है। और आपको बता दें कि जो मतदान है वो 5 दिसंबर को होगा और इसकी वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी, जिस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन आज क्योंकि आखिरी दिन है और तमाम दिग्गज नेता इस वक्त मैदानी जंग इस वक्त देखने को उनकी मिल रही है, क्योंकि वो मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आज का दिन बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, यानी आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार का जो शोर है वो थमेगा। और ऐसे में मैनपुरी हो, रामपुर हो या खतौली हो, वहां पर तमाम, चाहे बीजेपी के हो या फिर एसपी पार्टी के हो, तमाम दिग्गज नेता मैदान में उतरेंगे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे, जिस पर हर किसी की नजर रहेगी, क्योंकि इस बार एसपी पार्टी पूरी तरीके से ताकत झोंकती नजर आ रही है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और ऐसी तस्वीरें अक्सर सामने आ रही है। और इसी बीच बीजेपी भी प्रचार प्रसार में लगी हुई है। तो अवनीश मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अवनीश, देखिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और ऐसे में आज पूरी तरीके से जो दिग्गज है वो अपनी ताकत झोंकते नजर आएंगे, क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब के लिए वोट मांगने आए थे, जनसभा को संबोधित किया था। तो वहीं दूसरी तरफ सरहेल विधानसभा जो है वहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक रोड शो निकाला था। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है, इस सीट पर दोनों ही कार्यकर्ता, दोनों ही पार्टी के नेता बड़ी ही दमखम के साथ उतर आए हैं। अब ये इसमें देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मैनपुरी लोकसभा सीट पे अपना कमल खिलाना चाह रही है, तो वहीं दूसरी जगह समाजवादी पार्टी अपनी जो सीट है, ये सपा का गढ़ कहा जाता था, इसको बचाने के कयास में जुटी हुई है। हालांकि लगातार दोनों पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और उससे पहले, 5 बजे से पहले पहले लगातार दोनों पार्टी के नेता जो हैं वो पूरी तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो वो घर घर जाकर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वहीं भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह साहब के लिए भाजपा के कई बड़े नेता मैनपुरी पहुंचे हैं, सरहेल पहुंचे हैं, जसमन नगर पहुंचे हैं और उनके वोटों के लिए अपील कर रहे हैं। हालांकि कल परसों 5 तारीख है, 5 तारीख को मतदान होगा, सभी लोग अपने मत का प्रयोग करेंगे और उसके बाद 8 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी तो ये देखने की बात होगी कि इस मैनपुरी लोकसभा जो सीट है, सपा का गढ़ कहा जाता था, इस गढ़ में साइकिल चलेगी या भारतीय जनता पार्टी अपना फूल खिलाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, ये देखना बेहद दिलचस्प भी होगा। लेकिन जिस तरीके से रण पूरी तरीके से सज चुका है और मैनपुरी को लेकर जितने अलर्ट मोड पर अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, हालांकि ये उपचुनाव है लेकिन जिस तरीके से सरगर्मियां इस वक्त बदलती हुई नजर आ रही है, वो हवा इस समय जो बदलती हुई नजर आ रही है वो देखते ही बन रही है। लेकिन क्या कुछ मुकाबला इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये किला भी वो ध्वस्त करने में कामयाब रहेंगे, यानी इस बार कमल खिलेगा। लेकिन दूसरी ओर अब जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उनका भी जीत का दावा है। सपना, बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता और उनके जो बड़े बड़े विधायक सांसद हैं वो इस चीज का दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था मैनपुरी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, इस गढ़ को हमने खत्म कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, अब मैनपुरी की बारी है। मैनपुरी जो सभा अपना गढ़ कहती थी, इसको किला कहती थी, इस गढ़ और किला को भी ध्वस्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है, पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतरे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी लोकसभा में
दो बार आए थे, एक 28 तारीख को करहल विधानसभा आए थे, तो वहीं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर दोबारा से मैनपुरी के किशन मैदान में पहुंचे थे और हजारों की संख्या में अपने कार्यकर्ता और वोटरों को जनसभा करके रघुराज सिंह साक प्रत्याशी जो भाजपा के उनके लिए वोटों की अपील की थी। हालांकि सपा से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उस पर लेकर भाजपा के कई नेता तंज कस रहे हैं कि वही अखिलेश यादव हैं जो हेलीकॉप्टर और गाड़ी से हाथ हिलाकर वापस निकलते थे, कभी कार्यकर्ता के बीच में नहीं जाते थे। आज वही अखिलेश यादव घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, पैर छू रहे हैं, और ये केवल समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, ना कि जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की पार्टी है, कभी भी परिवार को लेकर नहीं चली है, लोगों को लेकर साथ में चली है, लेकिन अखिलेश यादव जो है केवल परिवार को लेकर चलते हैं। हालांकि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अगर चाहते तो शिवपाल यादव को भी टिकट दे सकते थे, धर्मेंद्र यादव को भी दे सकते थे, तेज प्रताप यादव को भी दे सकते। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि डिंपल यादव को ही टिकट क्यों दिया गया, ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है। रहा शिवपाल सिंह यादव की बात का अगर की जाए कि शिवपाल सिंह यादव भतीजे के साथ आ गए हैं, बहू के साथ आ गए हैं, और डिंपल यादव जो उनके पुत्र वधु है नेताजी मुलायम सिंह यादव की, उनके लिए वोट मांग रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी पूरी जोर शोर से उतर आई है, पूरी दम लगा रही है। समाजवादी पार्टी चाह रही है कि इस पे हम साइकिल दौड़ाएं, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इससे मैनपुरी की सीट जो है समाजवादी पार्टी गढ़े उसको खत्म करके कमल के साथ खिला सके। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी कहना होगा कि इस लोकसभा उपचुनाव में साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलाएगा। लेकिन देखिए, इन सब चीजों को देखते हुए ही और इसके मद्देनजर रखते हुए ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये उपचुनाव को बहुत सख्ती से ले रहे हैं और वो प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो तमाम निशाना भी साधते हैं। पेंडुलम जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था चाचा के शिवपाल के लिए, और ऐसे में इसी पूरे मुद्दे को उठाया गया है सैफई परिवार ने और ये कहा है कि वो पेंडुलम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, जो कभी नहीं हो सका, सैफई परिवार पूरी तरीके से एक होता नजर आ रहा है इस उपचुनाव में। बिल्कुल सपना, कहीं ना कहीं ये साफ तौर से कहा जाता है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव को करहल विधानसभा में जब जनसभा कर रहे थे तब उन्होंने शिवपाल सिंह यादव को पेंडुलम कहा था। हालांकि उस बयान पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पलटवार करके कहा तो है कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने चाचा शिवपाल सिंह को पेंडुलम कहा है, लेकिन इस पेंडुलम का ये अर्थ बता दें कि ये अर्थ होता क्या है। लेकिन जब वो अर्थ नहीं जानते हैं, इसका वाक्या नहीं जानते हैं कि पेंडुलम हम किसको कहते हैं, तो वो चाचा शिवपाल सिंह को पेंडुलम बता रहे हैं। शिवपाल सिंह हमारे साथ हैं। रहा सिक्योरिटी की बात कि उन्होंने जब उनकी सुरक्षा व्यवस्था हटा दी तो अब अखिलेश कह रहे हैं चीज को। कल जसवंत नगर में अखिलेश ने जनसभा की थी, वहां कहा था कि चाचा को कोई भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, किसी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत नहीं है। जब जनता चाचा के साथ है, भतीजा चाचा के साथ है, बहू चाचा के साथ है, तो अब चाचा को किसी भी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। हालांकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक दूसरे पे तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। कसते तो रहे हैं, लेकिन अवनीश इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि लोग क्या सोचते हैं। आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कई लोग इस वक्त मौजूद है, अगर संभव हो तो उनसे बात कीजिए कि इस वक्त वो किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। देखिए, लोगों की अगर हम बात करें, लोगों का साफ कहना है कि ये मैनपुरी सपा का गढ़ था, लेकिन समाजवादी पार्टी के गढ़ के साथ साथ यहाँ गुंडा राज खत्म हुआ, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, भाजपा सरकार ने सबका साथ सबका विकास लेके चली है। यहाँ जो विकास कार्य कराए हैं उसको लेकर यहाँ मतदान करेंगे, उसको लेकर यहाँ मैनपुरी का सांसद बुलाएंगे। हालांकि लोग जागर हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या लगता है चुनाव बड़ा दिलचस्प है? बिल्कुल। क्या लगता है किसकी सीट आ पाएगी? ये तो आगे ही मालूम पड़ेगा। अच्छा, अब वैसे क्या लगता है, डिंपल आ रही है क्या या फूल खिल रहा है? फूल नहीं खिलेगा, फूल की देखे देखे क्या लगता है? फूल की जड़ में खिलता है, फूल नहीं खिलता है। क्या चलेगा मैनपुरी? डिंपल आ रही, साइकिल साइकिल। भाजपा तो पूरी तैयारी से जुट गई है। नहीं, बेवानी से जुड़ी है, और क्या, प्रशासन लगा हुआ है। किला कहते थे समाजवादी पार्टी, भाजपा कह रही है कई किलों को ध्वस्त कर दिए। कोई किला नहीं है, किला अपना मोदी जी बचा ले। गुजरात में घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं, हमें सभी घर घर जाके पर्चे बांट रहे हैं। भाजपा कह रही है कि जो अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर और साइकिल से और गाड़ी से हाथ हिलाते थे, कभी जनता के बीच में नहीं जाते थे, आज वो घर घर जाकर पैर छू रहे हैं। पैर कहाँ छू रहे नेताजी? माननीय नेताजी छोटे नेताजी हो चुके हैं, अब जनता के बीच में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? हेलीकॉप्टर तो जब मोदी जी कहते थे गरीबों का हाई चप्पल से हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, तो हेलीकॉप्टर घूमने लगे ही छोड़ा मोदी जी ने तो। देखिए सपना, कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो कह रहे हैं।